الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد गुज़श्ता दर्स में हमने 26वें पारे का खुलासा और चीदा चीदा मज़ामीन पढ़े थे, जबकि आज के दर्स में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम 27वें पारे का खुलासा और उसके मजामीन पढ़ेंगे। 26वें पारे के आखिर में उन फरिश्तों का जिक्र था जो सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान समझे जाते थे। छब्बीसवें पारे के आखिर में उन फरिश्तों का जिक्र था जिन्हें हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आम मेहमान समझते थे या आम मेहमान समझा था उन्हें। जब आप पर उनकी हकीकत खुली और ये मालूम हुआ कि ये तो फरिश्ते हैं, तो आपने उनसे दरियाफ्त किया कि फिर तुम किस लिए आए हो, किस मुहिम पर आए हो। काल फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून, और उन्होंने बताया कि हमें कौम लूत पर पत्थरों की बारिश बरसाने और उन्हें तबाह करने के लिए भेजा गया। कालू इन्ना और सिलना इलाकों में मुजरमीन लेकिन उर्सिला हजारत अमिन तीन मुसवमतन, वो पत्थर भी ऐसे कि तेरे रब की तरफ से उन पर निशान लगे हुए थे कि ये फलां पत्थर फलां को लगेगा। तो हमें कौम लूत पर पत्थरों की बारिश बरसाने और उन्हें तबाह व बर्बाद करने के लिए भेजा गया है जो अल्लाह की नफरमानियों में हद से बढ़ चुके हैं। कौम लूत के अलावा सूरह ज़ारियात फिरौन कौम आद कौम समूद और कौम नूह का अंजाम बतलाने के बाद ज़मीन व आसमान की तख्लीक की तरफ भी मुतवज्जह करती है और इस बात का ऐलान करती है कि अल्लाह ने हर चीज को जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। सूरह ज़ारियात के इख्तिताम पर इंसान और जिन्नों की तख्लीक का मकसद बताया गया कि अल्लाह ने इंसान और जिन्नों को क्यों पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह की मार्फत और अल्लाह की इबादत इसलिए पैदा किया गया। और साथ साथ ये भी बतलाया गया है कि सारी मखलूक का रिज्क अल्लाह के यहाँ है और अल्लाह कफील है। कुफार मुशरिकीन को क़यामत के दिन आज़ाब की वईद भी सुनाई गई है। वैलुल लिल्लज़ीन कफरू मिन यौमिहिमुल्लज़ी युआदून, आगे सुतूर शुरू हो रही है। वत्तूर व किताबी मस्तूर फी रक़ीब मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़्फिल मरफू। सुतूर मक्की है, इसमें 49 आयतें और 2 रुकू हैं। इस सूरत की इब्तदा में 5 कस्में खाकर फरमाया इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, पहली कसम वत्तूर तूर की कसम, व किताब मस्तूर लिखी हुई किताब की कसम, फी रक़िब मंशूर खुले हुए वर्कों में जो है, वल बैतिल मामूर और आबाद घर की कसम, वस्सक़्फ़िल मरफू बुलंद छत की कसम, वल बहरिल मसजूर और जोश वाले दरिया की कसम, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ,
रब का अजाब अलबत्ता वाकई होने वाला है। जैसे दुनिया का दस्तूर है कि हम जब कसम खाते हैं तो अगला आदमी मुखातब ये समझता है कि कसम खाकर ये सच ही बोल रहा है, ये पक्की बात है। तो अल्लाह ने 5 कसमें खाई हैं, फरमाया कि तेरे रब का अजाब अलबत्ता वाकई होने वाला है। माल हम इंदाफी, उसे कोई टालने वाला नहीं। इन आयात की तफसीर के जीमन में बाद मुफस्सरीन ने दिलों पर कुरान की शिद्दत तासीर के हवाले से हजरत जुबैर इब्ने मतम रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाक्य लिखा है कि वो जमाने कुफर में बदर के कैदियों के सिलसिले में बातचीत करने के लिए मदीना मुनवरा आए। वो जब पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब में सूरह तूर की तिलावत फरमा रहे थे। जब आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, इन्ना अज़ाब रब्बिकल वाक़िया, तो हज़रत जुबैर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मुझे यूं लगा कि मेरा दिल फट जाएगा, चाहे मैंने नज़ूल अज़ाब के डर से इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर जब आपने आगे बढ़कर आयत नंबर 35 और आयत नंबर 36 की तिलावत फरमाई, अम खलकुस समावात वल अर्ध बल ला यूकिनून, अम खलकु मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, ये जो 2 आयतें हैं कि क्या ये किसी के पैदा किए बगैर पैदा हो गए, या इन्होंने खुद ही अपने आप को पैदा कर लिया, या इन्होंने आसमानों और जमीनों को पैदा किया, नहीं बल्कि ये यकीन ही नहीं रखते। तो फरमाते हैं कि यह आयत सुनकर मुझे ख्याल हुआ कि मेरा दिल और होश हवास उड़ जाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आते हैं कि एक शब मदीना मुनवरा की गली कूचों में तवाफ करते हुए उनका गुजर एक मुसलमान के घर के पास से हुआ, जो नमाज में सूरह तूर की इब्तदाई आयात तिलावत कर रहा था। जब वो तिलावत करते हुए इस आयत तक पहुंचा, इन्ना अज़ाब रब्बिकल वाक़िया, तो आप गधे से उतर पड़े और काफी देर तक एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे रहे। फिर 1 महीने तक आप घर ही में रहे। लोग आपकी इयादत के लिए आते थे, मगर उन्हें आपकी बीमारी का सबब मालूम न था। तासीर कुरान के बेशुमार वाकियात पेश किए जा सकते हैं, मगर तमाम वाकियात का जमा करना मकसूद नहीं है। मकसूद क्या है? मकसूद ये है कि हम इन वाकियात से सबक हासिल करें और हम भी कुरान की तिलावत और सिमा गौर व तदब्बुर से करें कि ताकि हमारे दिल भी मुतासिर हों। अगली आयत में यसूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के बारे में मुशरिकीन के मौकफ की वजाहत करती है कि वो आपके साथ इस्तेहजा किया करते थे, मजाक उड़ाते थे आपका, और आपको काहिन और मजनून कहते थे। फमा अंत बिनिअमत रब्बिक बेकाहिनी वला मजनून अम यकूलू न शायर न तरबसु बिही रैबल मनून। अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया कि आप दावत तज़किर का सिलसिला जारी रखें, या आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सूरत के अख्तिताम पर मुशरिकीन के बातिल ख्यालात की तरदीद की गई, उलूहियत और अल्लाह की वहदानियत पर दलाइल कायम की हैं, और इन अहमकों की मजम्मत बयान की गई है। अम युरीदून कैदा फल्लज़ीन कफरू हुमुल मुक़ीदून अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह सुभानल्लाह अम्मा युशरिकून وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْقُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَ الَّذِي بِهِ، انہیں چھوڑ دیجئے، قیامت کے دن انہیں معلوم ہو جائے گا یہ جو آپ پر طعنے کستے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ و دعوت میں صبر کرنے اور اللہ کی تسبیح و تحمید کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ۔ اور یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور ظالموں کو 2 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک دنیا کا عذاب اور دوسرا آخر کا عذاب۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اس دنیا کے عذاب کے علاوہ ایک اور عذاب ہے، وہ کون سا ہے؟ آخرت کا عذاب ہے۔ ولكن اکثرهم لا يعلمون، اور یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آگے سورۃ نجم شروع ہو رہی ہے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ سورۃ نجم مکی ہے، اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کے جو مضامین ہیں وہ خلاصے کے طور پر یہ ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں گرتے ہوئے ستاروں کی قسم کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان کی گئی ہے۔ ما ضل صاحبکم ما غوا وما ینتک عن الہوا ان و الا وحی یوحا، اور آپ کے معجزہ معراج کا ذکر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
अल्लाह की कुदरत और बादशाहत के अजायब व गरायब का मुशाहदा किया। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में देखा। जन्नत, दोजख, बैत मामूर, सिरतुल मुंतहा जैसी आयात और निशानदेहियों की जियारत की है। इंदा सिरतुल मुंतहा, इंदा जन्नतुल मावा, इज यख्शा सिदरत मा यख्शा, मा ज़ागल बसर व मा तगा, लकद रआ मिन आयाति रब्बिल कुबरा। बड़ी बड़ी निशानियों को देखा। सूरत नजम मुशरिकीन की मजम्मत करती है जो लात, उज्जा और मनात जैसे बुतों की बात करते थे और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे। अफरैतुमुल लात वल उज्जा व मनात अस्सालिसतल उखरा अलकुमुल ज़कर व लहुल उन्सा। ये सूरत क़यामत का तज़किरा करती है, जहां नेक और बुरे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। मुत्तकीन के बारे में बताती है कि वो बड़े गुनाहों से और बेहयाई के कामों से बचते हैं। अल्लज़ीना यतनबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिशा इल्लल लमम इन रब्बका वासिउल मग़फिरा। और वो इस्लाम से कुफार के बारे में यह बताया गया कि वो इस्लाम से एराज करते हैं। और इसी तरह इसके अंदर यह भी बयान किया गया कि हर शख्स इंफरादी तौर पर अपने आमाल का जिम्मेदार है, किसी के गुनाहों का बोझ दूसरे पर नहीं डाला जाएगा। वह अल्लैसा व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा अल्ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा। इंसान जो अपनी तारीफ खुद करते है उसे कबूल नहीं किया जाएगा। ये सूरत कुदरत और अल्लाह की वहदानियत के बाद दलाइल जिक्र करती है। मसलन ये कि अल्लाह ही हंसात है, वन हो व अजहका व अबका, वही रुलाता है, वही मारता है, वही जिंदा करता है, उसने नर और मादा पैदा किए, उसी के जिम्मे दोबारा पैदा करना है, वही मालदार बनाता है, वही सरमाया देता है, उसने नाफरमान कौमों को हलाक किया, वन हो व अगना व अकना, वन हो रबुशरा, वन हो आलक आदन लूला। रब्बु शेरा ये सितारे का नाम है, और ये शेरा जो है ये कहते थे मुशरिकीन, ये कहते थे कि शेरा जो सितारा है जब ये तुलू होता है तो उसकी वजह से हमारे रिज्क में बरकतें आती हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि वह अन्ना हुआ रब्बु शेरा, कि इनसे ये कहो कि शेरा जो है, जो सितारा है, उसका रब भी अल्लाह ही, अल्लाह की जात है। शेरा तो खुद मखलूक है, जिस सितारे का नाम ये शेरा रखते हैं तो वो भी अल्लाह की मखलूक है। वह अन्ना अहलक आदन लूला व समूद व माबका, पहले कौमों को तबाह व बर्बाद करने वाली जात भी अल्लाह की है। आखिर में इरशाद फरमाया कि तुम इस कलाम से ताज्जुब करते हो, अफमिन हाजल हदीस ताज्जुबून, तुम इस कलाम से ताज्जुब करते हो, वतज़हकून रतबकून, और तुम हंसते हो, रोते नहीं हो, बल्कि तुम खेल रहे हो। अब अल्लाह के सामने सजदा करो और उसी की इबादत करो। तो अल्लाह के आयात को सुनकर इंसान पर कपकपी तारी होना, इंसान पर कपकपी का तारी होना मोमिन की निशानी है। हर वक्त हंसते रहना ये ईमान की निशानी नहीं है, ये मुनाफ़क़त की निशानी है, ये गफलत की निशानी है। मोमिन की निशानी ये है कि वो फलयज़हक़ू क़लीला वलयबकू कसीरा। अल्लाह फरमाते हैं कि थोड़ा हंसें और ज्यादा रोएं, ये मोमिन की निशानी। यहाँ सूरत नजम का इख्तिताम होता है, आगे सूरत कमर शुरू हो रही है। सूरत कमर मक्की है, इसमें 55 आयात और 3 रुकू हैं। इस सूरत में वादे भी हैं, वईद भी हैं, जन्नत के तज़किरे भी हैं, जन्नत जहन्नम से डरावे भी हैं, मोमिनीन के लिए बिशारते हैं, कुफार के लिए डरावे हैं। और बुनियादी अकायद भी इसमें मजकूर हैं, ज़ाहिर है ये जब मक्की है तो बुनियादी अकायद भी इसमें होंगे। इस सूरत की पहली आयत में क़यामत के करीब, क़ुर्ब क़यामत और शक कमर का जिक्र है। क़यामत के करीब क्या होगा, सूरज चांद कैसे फट जाएगा। क़यामत के करीब आ जाने का मतलब ये है कि नबुवत मुहम्मदिया के बाद ज़माना उस ज़माने के मुकाबले में बहुत कम है जो आपसे पहले गुजर चुका है। बुखारी मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत वाली उंगली और दरमियान वाली उंगली उठाते हुए इरशाद फरमाया कि मुझे और क़यामत को यूं भेजा गया जैसे ये दो उंगलियाँ इकट्ठी हैं, जैसे दो उंगलियाँ जो हैं इनमें फासला नहीं है, और मैं मेरे दरमियान और क़यामत के दरमियान फासला नहीं है। शक कमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर मौजज़ा है। जब अहले मक्का ने आपसे मौजा का मुतालबा किया तो आपने चांद की तरफ इशारा फरमाया तो उसके दो टुकड़े हो गए, लेकिन जिनके मुकद्दर में हिदायत न थी वो कहाँ मानने वाले थे। इसलिए फरमाया गया कि अगर ये बदबख्त मौजा भी देख लें, वहीं जो रो आयतन अगर ये देख लें, यो रेजू तो भी एराज करेंगे, वह यकूल सिहर मुस्तमिर, और कहेंगे कि ये तो जादू है। जो पहले से जारी और चला हुआ है। अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि आप इनसे इराज फरमाइए, और
उस दिन का इंतजार करें जब ये कब्रों से इस हाल में खड़े होंगे कि इनकी आंखें झुकी हुई होंगी। खुशान अबसार हम, इनकी आंखें झुकी हुई होंगी। यखरुजून मिनल अजदास कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर, और इनके चेहरों पर जिल्लत की स्याही छाई हुई होगी। पुकारने वाले की तरफ दौड़ते हुए जाएंगे और वो खुद कहेंगे कि ये दिन तो हमारे लिए बड़ा सख्त साबित हुआ है। फदा रब्बहु अन्नी मगलूबुन फंतसिर। ये सूरत कुफार मक्का को डराती है कि कहीं तुम पर ऐसा अजाब ना आए जैसा अजाब पहले कौमों पर आया, जिस तरह पहला जैसे जैसे अजाब जो है वो पहली कौमों पर आया, ऐसे ही ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर अजाब ऐसा आ जाए। अल्लाह से डरो, जिन जराइम का इर्तकाब पहले कौमों ने किया वैसे जराइम का इर्तकाब तुम कर रहे हो, जैसे उन पर अल्लाह का अजाब आया ऐसे तुम पर भी आ सकता है। चाहे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिसाल के तौर पर तबाहशुदा अक़वाम का अल्लाह ने जिक्र फरमाया और उनकी तबाही का किस्सा बयान करने के बाद 3 से 4 मरतबा अल्लाह ने यह सवाल बार बार किया, बताओ मेरा अजाब और मेरे डराने वाली बातें कैसे थीं। फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, बस कैसे था मेरा अजाब और मेरा डराना। कुरान के और फिर साथ ये भी फरमाया वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को सहल और आसान बना दिया नसीहत के लिए, बस कोई है नसीहत हासिल करने वाला। अब कुरान के सामने का मतलब यह है कि इसे पढ़ना, हिफ्ज़ करना और इससे नसीहत हासिल करना और इस पर अमल करना बहुत आसान है। और इसके आसान होने का ही नतीजा है कि ऐसे देहाती भी कुरान करीम की तिलावत बसहूलत कर लेते हैं जो अपनी मादरी जबान में छोटे से छोटा किताबचा भी नहीं पढ़ सकते। छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने अपने सीनों में कुरान मजीद को महफूज किए हुए हैं, जब साफ दिल वाले इसे पढ़ते और सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छिलक पड़ते हैं, दिलों में अमल का जज्बा पैदा हो जाता है। सूरत के इख्तिताम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर चीज को एक खास अंदाजे के साथ पैदा किया है। इस कायनात में जो कुछ भी है, ख्वाह वो खैर हो ख्वाह वो शर हो, सब अल्लाह ताला की मखलूक मुरतब और हिकमतों के तकाजे के मुताबिक है। आखिर में मुत्तकीन को अच्छे अंजाम और अल्लाह की रजा की बिशारत सुनाई गई है। चुनांचे इरशाद फरमाया गया वकुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर इन्नल मुत्तकीन फी जन्नति व नहर, ये जो मुत्तकीन हैं ये बागों में और नहरों में होंगे। फी मक़ादि सिद्क़िन इंदा मलिकिन मुक्तदिर, तो ये अल्लाह के यहाँ इनका बड़ा मकाम है क़यामत के दिन। यहाँ सूरत कमर का इख्तिताम होता है और सूरत रहमान शुरू हो रही है। सूरत रहमान मदनी है, इसमें 78 आयात और 3 रुकू हैं। इसका दूसरा नाम उरूसुल कुरान है, कुरान की दुल्हन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरफू रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर चीज़ की उरूस दुल्हन जीनत होती है, कुरान की उरूस सूरह रहमान है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें बयान फरमाई हैं, जिनमें सबसे पहली नेमत कुरान का उतारा जाना बंदों को इसकी तालीम देना है। अल्लम अल कुरान, खलक अल इंसान, अल्लम अल बयान। कुरान का बदल कोई भी चीज नहीं बन सकती, इसकी एक एक आयत एक एक हरूफ दुनिया माफिया से बेहतर है। कुरान सारी आसमानी किताबों के मजामीन का मुहाफिज जामे और नासिख है। अल्लाह ताला ने इस सूरत का आगाज अपनी सिफत अर रहमान से फरमाया, गोया इस बात पर तंबीह की गई है कि अल्लाह की सारी नेमतें खुसूसन कुरान की नेमत उसके रहमान होने के आसार और फयूजात हैं। वो रहमान होने की वजह से बंदों पर रहम करता है और उन्हें हर तरह की नेमतें अता फरमाता है। और फिर अल्लाह ताला ने आम नेमतों का जिक्र किया, सूरज चांद जो अल्लाह के ठहरे हुए हिसाब से अपनी अपनी मंजिलों पर रवानदवाएं, सितारे और दरख्त जो अल्लाह के सामने सजदे रेज हैं, जमीन जिसे मखलूक के लिए किसी फर्श की तरह बिछा दिया गया, मुख्तलिफ मेवे अनाज और फल फूल जिनसे इंसान फायदा उठाता है, मीठे और खारी पानी के दरिया जो अपनी अपनी जगह जारी हैं जी, और इसी तरीके से जो है वो हीरे जवाहरात का जिक्र है, يطوفون بينها وبين حميم عين فبيا الى ربكما تكذبان ولي من خاف مقام ربي جنتان فبيا الى ربكما تكذبان ذوات افنان فبيا الى ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان। सारी नेमतों का तذکرہ ہے۔ اب پھر دنیاوی نعمتوں کے علاوہ اخروی
नेमतों और अजाबों का भी सूरह रहमान में जिक्र है।